हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आगे का चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एक चीज़ याद रख लो, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका चैप्टर नंबर 11, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, पूरा का पूरा चैप्टर एकदम बेस्ट वे में हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब 11 के बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 12, लेकिन जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें थोड़ा सा ईयर वगैरह का पार्ट है, मतलब वो थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है। चैप्टर 12 में अगर आप देखते हो तो सोनोग्राफी क्या होता है, है ना। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 12 में क्या क्या है। चैप्टर 12 में अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो चैप्टर 12 में आपको डिस्कस करना है ईयर क्या होता है, हमारा कान क्या ऐसा है, कान के पार्ट्स कौन से होते हैं, वो पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी वाले सेक्शन में आता है, जो कि आपका दीप्ति मैम ने लिया होगा। जैसे कि देखो ना, ये ईयर वाला पार्ट है, उसी के अंदर में सोनोग्राफी मशीन है, कि सोनोग्राफी मशीन कैसे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है, तो ईको क्या होता है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें, ये ऑलमोस्ट पूरा पार्ट आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन में आता है, कि ईयर के अलग अलग पार्ट्स, है ना। सोनोग्राफी ये पूरा बायोलॉजिकल सेक्शन में आता है, तो ये सारा का सारा पार्ट आपके आपकी दीप्ति मैम लेंगी, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम लोग वो चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो चैप्टर को डिस्कस करके यूजलेस रहेगा, वो उसमें बायोलॉजी आती है। तो अब अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब मैं हेडिंग डाल देती हूँ, चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। चलिए भाई, अब समझते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें तो कार्बन, कार्बन के बिना तो भाई केमिस्ट्री नहीं होती थी, क्योंकि बेसिकली मैं तो 11 12 को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट नहीं है, आई लव केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी केमिस्ट्री में हुआ है। तो अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री होती ही नहीं थी अगर कार्बन नहीं होता था। तो कार्बन है इसीलिए केमिस्ट्री है, क्योंकि जितनी भी आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ना, वो कार्बन के भरोसे पर डेवलप हुई है। अगर कार्बन एलिमेंट नहीं होता था तो शायद आज आपको केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी नहीं होता था। तो कार्बन है इसीलिए केमिस्ट्री है। तो मैं आपको बोलूँगी कि कार्बन जो है सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपको बताएगा कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपका केमिस्ट्री का बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर एंड ऑकर्स इन फ्री एज वेल एज इन द कम्बाइंड स्टेट। ये देखो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, अपन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगी, मुझे पढ़ाना है तो सारे छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें सारी पढ़ानी है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी मैं आपको समझा के दूंगी, सो दैट जब आप थ्योरी पढ़ते हो, जो भी पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है, तो जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे सब पता है, ठीक है। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर, मतलब आपका जो कार्बन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंटली प्रेजेंट है नेचर में, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन, मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन बहुत कम है, पूरे के पूरे अगर आप यूनिवर्स में देखते हो तो कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हर तरफ कार्बन है। एंड ऑकर्स इन फ्री एज वेल एज इन द कम्बाइंड स्टेट, वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब अपन समझ लेते हैं कि ये फ्री फॉर्म क्या होता है और ये कंबाइंड फॉर्म क्या होता है। तो जो भी आपका कार्बन है ना, कार्बन, ये टोटल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है आपका फ्री स्टेट और सेकेंड रहता है आपका कंबाइंड स्टेट। तो चलिए समझते हैं कि फ्री स्टेट क्या होता है और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन खुद अकेला एग्जिस्ट करेगा, उसके साथ में कोई और एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इस स्टेट का नाम ही है आपका फ्री स्टेट। अब आप लोग खुद सोचो, उस स्टेट का नाम ही है फ्री, मतलब ये एलिमेंट जो है वो कैसा रहेगा, वो फ्री रहेगा। क्या वो किसी चीज़ से अटैच रहेगा? नहीं। क्यों?
रीज़न वहाँ पे ये है क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसका नाम ही है कि वो फ्री स्टेट में है, तो वो किसी के साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में आपने यहाँ ये देखा कि इसका नाम ही है कंबाइन। अगर नाम ही कंबाइन है तो उसका नाम ही बता रहा है कि वहाँ पे वो जो कार्बन है ना वो किसी और एलिमेंट के साथ में कंबाइन हुआ है, कोई एक्स एलिमेंट के साथ में होगा या कोई वाई एलिमेंट के साथ में होगा या कोई जेड एलिमेंट के साथ में होगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कार्बन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो काम के पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला रहता है आपका फ्री फॉर्म जिसमें वो अकेला रहता है, और सेकेंड रहता है आपका कंबाइंड स्टेट जिसमें वो और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ में कंबाइन रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, अब जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं मेजर फॉर्म में, पहला होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड रहता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से डिराइव होते हैं। मतलब अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स है, और अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी देखो ना बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो एलिमेंट में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, आप उनमें से भी कार्बन को डिराइव कर सकते हो, तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो हम लोगों को प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। अब पहला तो हुआ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड कौन सा रहेगा, सेकंड कंपाउंड रहेगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे क्या ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लोग मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, तो एक बार अपन लोग उसको समझ लेते हैं। चलिए भाई, तो अभी मैंने आपको फिलहाल ये बताया कि कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म मतलब ही फ्री स्टेट या तो कंबाइंड फॉर्म और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कार्बन फ्री होता है और कंबाइंड फॉर्म में कार्बन किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके कंपाउंड्स रहते हैं, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है, ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका कोई दूसरा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है तो उससे जो भी चीज़ ऑब्टेन होती है वो क्या रहती है, वो आपका कंपाउंड रहती है। ठीक है, अब कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड के भी टोटल दो टाइप होते हैं, दो मेजर टाइप है। पहला होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड रहता है आपका इनऑर्गेनिक। अगर एक ऑर्गेनिक है तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग ऑब्टेन करते हो फ्रॉम मिनरल्स। तो आपको ये बात याद रखना है, बहुत ही काम की चीज़ है, कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग प्लांट और एनिमल से निकालते हैं, प्लांट और एनिमल से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन जो भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, वो हमको मिलते हैं मिनरल से। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ज़रा आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल से आएंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे और जो मिनरल से आएंगे वो इनऑर्गेनिक रहेंगे। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन नहीं रहता। तो यहाँ से आपको दो पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट ये समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहते उनमें आप लोग क्या लिखेंगे, डू नॉट कंटेन कार्बन।
तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से तो मिलते हैं, एनिमल से तो मिलते हैं, लेकिन उनमें कार्बन होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होता। अब जाहिर सी बात है भाई, ऑर्गेनिक का उल्टा क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में अगर कार्बन है तो इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं रहेगा, ठीक है। कार्बन इज़ द मेन एलिमेंट इवन इन सेलुलर डीएनए एंड आरएनए। मतलब जैसे कि आपको पता है कि डीएनए क्या है, हमारे बॉडी में आरएनए क्या है, ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों का काम जो होता है वो होता है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना। अगर मैं बात करती हूँ हमारे बॉडी में के अंदर में जो डीएनए है ना, तो डीएनए का रोल क्या है, डीएनए का रोल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपकी हेरिडिटी है, लाइक अपने जो भी आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उनको वो स्टोर करता है। और आरएनए का काम क्या है, आरएनए का काम है कि जो भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन जो होता है वो डीएनए में भी प्रेजेंट है, कार्बन जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट है। तो अब आप ही सोचो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे बॉडी में। डीएनए और आरएनए के बिना तो हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर आप ध्यान से देखते हो तो डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये जो डीएनए और आरएनए है, इनमें सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। द जर्मन केमिस्ट वोल्हर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, इस ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया है, मैं उसको भी रीड आउट करूँ। देखो ये तो वैसे थेरोटिकल पोर्शन है, मैंने समझाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे समझा रही हूँ कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा ईजी लगे पढ़ने में, है ना, इसीलिए मैं समझा के दे रही हूँ। थ्योरी पोर्शन भी तो क्या हुआ, समझना तो पड़ता है ना। तो जो भी आपके जर्मन केमिस्ट थे, मतलब ये जो केमिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में रिसर्च की वो जर्मनी से थे, उनका नाम है वोहलर। उन्होंने सिंथेसाइज किया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, उन्होंने यूरिया वाले कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, और यूरिया कंपाउंड किससे सिंथेसाइज किया, अमोनियम साइनेट से, ठीक है। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कार्बन वॉज फाउंड टू बी द मेन एलिमेंट इन ऑल दिस कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो रेफर टू एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आपके जो जर्मन केमिस्ट है, मतलब ऐसे केमिस्ट जो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट है फ्रॉम जर्मनी, उनका कहना ये है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन के बिना कुछ भी नहीं है, अगर कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं। तो उनका कहना यह है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप उसको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक वाले उन सब में कार्बन है, तो कार्बन के बिना तो एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, इसलिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका इतना इंट्रोडक्टिव पार्ट। चलिए अब मैं बात करती हूँ ऑकरेंस ऑफ कार्बन की। ये भी पूरा थेरोटिकल पोर्शन है, लेकिन अपन इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ऑकरेंस ऑफ कार्बन देखो क्या कहता है, द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। मतलब जो भी आपका कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन को आपने डिराइव किया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल। तो आपको इतना याद रखना है कि कार्बन वर्ड कैसे आया। तो पहले था कार्बो वर्ड, कार्बो वर्ड हम लोग लैटिन लैंग्वेज में बोलते थे। आपको पता है ना, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, फ्रेंच, जर्मनी, जापानीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, है ना, स्पेनिश लैंग्वेज, इन द सेम फैशन जो लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन भी एक टाइप है लैंग्वेज का। लैटिन लैंग्वेज में पहले कार्बो बोला गया था, और उस कार्बो से ही हम लोगों ने कार्बन वर्ड को डिराइव किया, ठीक है। अब ये जो कार्बो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कोल, और कोल का मतलब क्या होता है, कोयला, जो काले कलर का होता है ना कोयला, उसी को हम लोग सारे के सारे कोल बोलते हैं। कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन द कंपाउंड स्टेट। ये अभी हम लोगों ने देखा कि वो फ्री स्टेट में भी आ सकता है, या तो वो कंबाइन स्टेट और कंपाउंड वाले स्टेट में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन इन फ्री स्टेट इज फाउंड इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड इन कंबाइन स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब वो आपको ये बोलना चाहता है कि अगर मैं बात करती हूँ डायमंड की, तो डायमंड में आपका जो कार्बन होता है वो फ्री फॉर्म में होता है। देखो फ्री स्टेट में कार्बन अकेला होता है, कार्बन के साथ में कोई और एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि उसका नाम ही है फ्री, तो वो पूरी तरह से फ्री है। तो जो भी आपका कार्बन फ्री स्टेट में, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, जैसे कि डायमंड में, ग्रेफाइट में। डायमंड ग्रेफाइट में आपका कार्बन कैसे स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंबाइन स्टेट की, अगर मैं कंबाइन स्टेट की बात करती हूँ, तो कार्बन बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है। जैसे कि आपका पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, ज़रा ध्यान देना इधर,
फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है ग्रेफाइट में, और वो एग्जिस्ट करता है आपके डायमंड में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या यहाँ पे कार्बन अकेला है क्या? नहीं। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि यहाँ पे कार्बन के साथ में आपका ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो ये कार्बन का कौन सा स्टेट हुआ? कंबाइन वाला स्टेट, कंबाइन वाला फॉर्म। तो ये जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है उस आपका कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट को भी बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि आता है आपका सुक्रोज, आपका आता है ग्लूकोज, आपका आता है फ्रुक्टोज। वो सारी चीज़ों में कार्बन जो होता है वो किसी और एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपका जो भी ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है ना, जिंक कार्बोनेट में आप क्या देखते हो कि जो भी आपका कार्बन है वो जिंक और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो ये भी आपके कार्बन का कौन सा स्टेट हुआ? कंबाइन स्टेट। इसके अलावा जो भी आपका कॉटन है, जो भी आपका वूल है, जो भी आपका सिल्क है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स में भी आपका जो कार्बन होता है वो कंबाइन फॉर्म में होता है। तो बस इतना ही याद रखो कि फ्री फॉर्म में हमेशा कार्बन कौन से एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट में कार्बन अकेला होता है और डायमंड में भी कार्बन अकेला होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड में आपका कार्बन फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंबाइन स्टेट की, तो आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपने देखा होगा शुगर, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च है ना, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब में आपका कार्बन किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है। ZnCO3 में भी देखो कार्बन दो तीन एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है। कॉटन, कॉटन में भी सिर्फ कार्बन थोड़ी होता है, कार्बन के साथ में और भी एलिमेंट होते हैं, सिल्क में, वुल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ, कार्बन के यूजेस क्या है, कौन से टाइप के कंपाउंड में कार्बन देखने को मिलता है, किसने कार्बन की केमिस्ट्री को क्या बोला, वुल्फ आपके जो वुलहर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, वो सब अपन ने डिस्कस किया। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की ऑन व्हाइट बोर्ड ऑफ कोर्स, जिसका नाम है एलोट्रॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आई अश्योर यू कि आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा इस प्रॉपर्टी का हेल्प मिलेगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन को। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है और हम लोग सारे के सारे उसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लूँ। अब अपन लोग समझते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी को, कि एलोट्रॉपी क्या होता है और एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, एलोट्रॉप्स कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप एवरीबॉडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं सबसे पहले थिंग एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी की, एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी क्या होता है। चलिए एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, फिर हम लोग समझते हैं। द एलिमेंट चलिए भाई,
अब मैंने यहाँ पे एलोट्रॉपी की डेफिनेशन तो लिख दी, अब अपन लोग समझते हैं कि एलोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब आपका जो एक एलिमेंट है अगर वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपका एक सिंगल एलिमेंट बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये तो एक पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपके सारे के सारे फॉर्म हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, तो ऐसे सारे के सारे फॉर्म्स को आप एलोट्रॉप बोलते हो। ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बात कर रही हूँ आपका एक एलिमेंट, मैं कोई भी एक एलिमेंट को कंसिडर करती हूँ, कर सकते हो आप कोई भी एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हो, अगर वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे उसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आपका एलिमेंट ई है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये फॉर्म कितने भी हो सकते हैं, फिलहाल तो अपन कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो अब ये फॉर्म आपके कितने भी हो सकते हैं। लेट अस से सपोज मान के चलो कि ये कोई एलिमेंट है जिसके टोटल 4 फॉर्म है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो कि जब किसी एक एलिमेंट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं और वो सारे के सारे फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, तो ऐसे सारे के सारे फॉर्म को आप लोग क्या बोलते हो, एलाट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट ई। क्योंकि ये जो एलिमेंट ई है ये आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है। अपन सपोज मान के चल रहा है कि चलो एक एलिमेंट ई है, उसने आपको टोटल 4 फॉर्म दिखाया, अपन सपोज मान के चल रहे एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब ये चारों के चारों जो फॉर्म है ये इसी एलिमेंट के, ये चारों के चारों जो भी फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं सपोज मान के, वो चारों के चारों फॉर्म इसी एलिमेंट ई के है, तो आप लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो चारों के चारों एलिमेंट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग यहाँ ये बोलेंगे कि जो भी आपके एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाले एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या है, एलोट्रॉप्स है एलिमेंट ई के, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स में बस इतना याद रखना है कि जब कोई एक एलिमेंट बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो सारे के सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो डिफरेंट रहती है, तो आप लोग उस चीज़ को क्या बोलते हो, एलोट्रॉप्स, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, एलोट्रॉपी, ठीक है। तो ये हुआ आपका एलोट्रॉपी से रिलेटेड थिंग। अब ज़रा इधर ध्यान से देखो, देखो होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। सपोज मैं अंकिता की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम अंकिता है तो मैं अंकिता नाम का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। अब क्या हुआ, किसी दिन अंकिता जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये भी अंकिता ही है, ये भी अंकिता ही है, और ये भी अंकिता ही है। मैं मेरी बात करी क्योंकि मेरा नाम अंकिता है तो मैंने यहाँ पे अंकिता लिखा। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि किसी दिन अंकिता जो है वो येल्लो कलर का ड्रेस पहन के आती है, किसी दिन अंकिता जो है वो रेड कलर का ड्रेस पहन के आती है, और किसी दिन अंकिता जो है वो ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये तीनों के तीनों फॉर्म जो है वो अंकिता के ही है ना। यहाँ पे अंकिता येलो कलर के ड्रेस में है, समझने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे अंकिता रेड कलर के ड्रेस में, और यहाँ पे आपकी अंकिता जो है वो ब्लू कलर के ड्रेस में है, लेकिन ये तीनों के तीनों है क्या, तीनों के तीनों अंकिता ही है। मतलब ये जो एलिमेंट अंकिता है, एलिमेंट बोलती हूँ मैं उसको, ये जो एलिमेंट अंकिता है, ये जो इसके फॉर्म है, ये तीनों के तीनों इसी के फॉर्म है। सिर्फ फ़र्क किस बात का है, फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, यहाँ पे येल्लो कलर है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, यहाँ पे ब्लू कलर है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ही अंकिता है, अंकिता अलग अलग नहीं है, अंकिता एक ही है, लेकिन ये तीनों के तीनों अंकिता के अलग अलग फॉर्म है। पहले फॉर्म में अंकिता येल्लो कलर में, सेकेंड फॉर्म में अंकिता रेड कलर में, और थर्ड फॉर्म में अंकिता ब्लू कलर में। तो तीनों के तीनों केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तीनों के तीनों केस में फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टी की, ज़रा ध्यान से देखो भाई,
ये भी है तो अंकिताई ना, ये भी है तो अंकिताई ना, ये भी है तो अंकिताई ना, मतलब तीनों के अंदर में कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन तो सेम है। केमिकल कंपोजिशन कैसा है? सेम। अगर केमिकल कंपोजिशन सेम है, क्योंकि तीनों के तीनों अंकिताई है, तो कंपोजिशन तो सेम रहेगा। अगर कंपोजिशन सेम है या केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? सेम। तो आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी रहती है वो सेम रहती है। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहती है? डिफरेंट। लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो कैसा है? सेम है। केमिकल कंपोजिशन अगर सेम रहता है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी रहेगी? सेम। तो वो होते हैं आपके सारे के सारे एलोट्रॉप्स। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का पार्ट। चलिए भाई, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप्स को। हम लोगों ने अभी एलोट्रॉप को तो समझा, लेकिन ऐसा होता है कि एलोट्रॉप सारे एलिमेंट नहीं दिखाते, कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स से वही आपको एलोट्रॉप्स दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से जनरली आपको ऐसे एलिमेंट है जो एलोट्रॉप्स दिखाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो चलिए आप हेडिंग डाल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप्स। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। एक बार मैं पूरे चार्ट को ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ, कि अगर मैंने ड्रॉ ही नहीं किया और समझाया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, चलिए भाई, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा है सारे के सारे एलिमेंट्स का। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वैसे तो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन सभी एलिमेंट एलोट्रॉपी नहीं दिखाते। कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स हैं जो ही आपको एलोट्रॉप्स दिखाते हैं। उसमें से कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें से फॉस्फोरस आपका एक एलिमेंट है, और उसमें से है आपका सल्फर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि एलोट्रॉप सारे के सारे एलिमेंट नहीं दिखाते, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट है। तो कौन से एलिमेंट आपको एलोट्रॉप्स दिखाते हैं? जनरली पहला होता है आपका कार्बन, सेकेंड होता है आपका फॉस्फोरस, और थर्ड होता है आपका सल्फर। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन फिर से उसमें दो फॉर्म आते हैं। पहला होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म, और सेकेंड होता है आपका एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है? कार्बन के क्रिस्टल्स रहते हैं। आप लोगों ने वहाँ ये देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिखता है, लेकिन एमोरफस फॉर्म में वो आपको पाउडर्ड फॉर्म में दिखता है।
तो याद रखना है कि अगर नाम है क्रिस्टल लाइन फॉर्म, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एमोर्फस फॉर्म की, तो एमोर्फस फॉर्म में आपको पाउडर्ड देखने को मिलता है, पाउडर्ड पाउडर्ड रहता है, जैसे नमक कैसा होता है, नमक कैसा है पाउडर्ड फॉर्म में, तो समझ जाओ कि वो एमोर्फस फॉर्म है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। और अगर आपने शक्कर देखी होंगी, तो शक्कर में देखो कैसे क्रिस्टल्स रहते हैं, तो वो आपका कौन सा फॉर्म हुआ, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो याद रखना है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी अलग अलग फॉर्म में है। पहला होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और सेकेंड होता है एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल्स दिखेंगे, जैसे कि शक्कर को देखा होगा तो देखो शक्कर के कैसे क्रिस्टल्स होते हैं, और एमोर्फस फॉर्म में पाउडर दिखता है, जैसे कि आपने नमक को देखा होगा जैसे पाउडर फॉर्म में होता है ना वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। आपने डायमंड स्टोन भी देखा होगा, कुछ लोग रिंग में पहनते हैं, कुछ लोग नेकलेस में पहनते हैं। तो डायमंड क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है आपके कार्बन का। ग्रेफाइट जो होता है वो आपके लीड पेंसिल्स में होता है, और एक है आपका फुलरिन। ये सब अपन डिस्कस करने वाले, ऐसा मत सोचना कि मैंने अभी थोड़ा से में पढ़ा दिया, ये सब अपन डीपली डिस्कस करने वाले। लेकिन डिस्कस करने से पहले अपन को पता तो होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है और क्लासिफिकेशन कैसे क्या किया है। ये ऐसा चार्ट आपको बुक में नहीं दिया है, ये स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे होता है। अब एमोर्फस फॉर्म का मतलब क्या होता है, एमोर्फस फॉर्म का मतलब होता है पाउडर्ड वाला फॉर्म। उसमें टोटल 3 टाइप है, कोल, कोल मतलब कोयला, कोक, वो भी एक कार्बन का ही फॉर्म है, और एक है आपका चारकोल। तो ऐसे टोटल 3 आपके एलेट्रॉप्स है एमोर्फस फॉर्म में, कोल, कोक और चारकोल। कोक, कोल का मतलब होता है कोयला। अब कोल में और बहुत सारी वेरायटी है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये कोल के अलग अलग कैटेगरी है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद में फॉस्फरस जो होता है वो भी आपको 2 मेजर टाइप के एलोट्रॉप्स दिखाता है। ये चीज़ आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने की है, 11th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से दिया गया है, वाइट फॉस्फरस और रेड फॉस्फरस। तो ये आपके फॉस्फरस के 2 एलोट्रॉप्स है। अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की, तो सल्फर के भी आपके 2 मेजर एलोट्रॉप्स है, पहला है आपका रोम्बिक सल्फर और सेकेंड है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इस टाइप से मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स के एलेट्रॉप्स यहाँ पे लिखे हैं, उनका क्लासिफिकेशन लिखा है। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स स्टॉप हियर गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।